आज बब्बी इस पेड़ तो नस्ते नाबूद कर देगा, मतलब परेशान हैरान और खराब और तोड़ और मरोड़ सब देगा। ये देखो ले गया, और उधर से पीछे दोनों रोशनी और चार्ली उससे डर के भागी जा रहे हैं। और ये देखो ये क्या कर रहा है, आज तोड़ेगा ये। तो ये दोनों ना दिशु की ना बात नहीं मान रहे। दिशु ना एक छोटी सी डंडी उठा के लाया ताकि ना इनको ना गुस्से से मना पाए। और हमारा विजेता कैसा हो, बब्बी जैसा हो, चावलों के साथ थोड़ा सा किबल। और ये देखो अभी नहीं मम्मी ना पहले हाथ से चखाती है उसे, देख लो टेस्टी का गए ना यहां बैठ गई है ये पूछ दे दे बंदर नहीं बैठते। और ना सपोर्ट देखना हाथ का खा लिया होगा मेरे हाथ के ऊपर। सो हाय गाइस, वेलकम टू योर न्यू व्लॉग ऑन योर फेवरेट चैनल जो बब्जी और लेडी ऑली का है। चला जल्दी आ जा, आ जा। सो गाइस, शाम का टाइम है, शाम के बज गए हैं 5 और मैं आ गया हूँ आपको एक नया व्लॉग प्रस्तुत करने के लिए। हिंदी मेरी हर रोज बेटर हो ही जा रही है। ओए रोशनी कहाँ से निकल रही है? यार रोशनी, दामिनी, चार्ली सब बब्जी के साथ मस्ती मार रहे हैं सब, देख लो। शाम का टाइम है, खेल खुला के। ओहे क्या हो गया, थक गया तू आज? बब्जी अपना अलग घूम रहा है, ये अपना अलग घूम रहे हैं। बस हर रोज की तरह। तो आज मैं आपको ना एक नई चीज़ दिखाने वाला हूँ जो आपने पहले बहुत पहले देखी थी। हवा आज बहुत तेज चल रही है और गलती से आज एक पेड़ गिर गया, और जहाँ पेड़ गिर जाए तो बब्जी उस पेड़ का क्या हाल करता है ये आपको पता ही है। ये देख लो पानी हुआ है, कीचड़ हुआ है। इस लड़के को सिर्फ पेड़ की तबाही पसंद आती है। तो फाइनली इसको एक पेड़ मिल गया। आज बब्बी इस पेड़ तो नस्ते नाबूद कर देगा, मतलब परेशान हैरान और खराब और तोड़ और मरोड़ सब देगा। ये देखो है बच्चा। ओए कैमरे के लेंस पे भी पानी फेंक दिया। बब्बे क्या कर रहा है तू है? ये देख लो गुस्सा, देख लो कितना आया हुआ है। बस इसको ना डिस्ट्रक्शन करनी है, इससे एनर्जी इसी तरीके से निकलेगी। ये देख लो, ओए होए 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 भाई, इसका पेड़ खींच के उस तरफ ले जा ले जा ले जा। ये पानी में ना मतलब, ये देख लो वो कह रहा है कि तू क्या खींचेगा, मैं ही खींच लूँगा। और उधर दिशु ने ना पेड़ उठा लिया, दिशु वहाँ से ना चुपके से पेड़ खींच रहा है। दिशु तेरे से पेड़ उठ जाएगा, चलो जी चलो। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ दिशु भाग गया। ये देखो ये देखो ये देखो डिस्ट्रक्शन मशीन, देख लो ये देखो। ओए होए 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 ओए क्या कर रहा है? ये देखो तो आज शाम को बब्जी की एक्सरसाइज इस तरीके से हो रही है, ठीक है। ये देखो क्या है, क्या है, क्या करने वाला है ये पेड़ के साथ, क्या करने वाला है ये तो बता दे। वो देखो कहाँ ले गया, और उधर से पीछे दोनों रोशनी और चार्ली उससे डर के भागी जा रहे हैं। और ये देखो ये क्या कर रहा है, आज तोड़ेगा ये सारे फट्टे फुट्टे सब तोड़ देगा हैं। वो देखो, ओ भाई साहब क्या करने वाला है हैं? भाई साहब पेड़ खींच के ले जाओ उस तरफ। दिशु दिशु कह रहा है मैं नहीं लेके जा रहा, बहुत हो गया तुम्हारे चक्कर के अंदर, किसी दिन तुम मेरे को बलि का बकरा बना दोगे। बस साहब मुँह में, अरे ये वाला गिरने वाला था, देख लो देखा तूने, ये तो उठा ले ये खींच ले। ओ भाई साहब इसको बहुत दिनों बाद पेड़ मिला आज। ये देखो आज तो पूरी तबाही करेगा ये पूरी। बब्जी का सीजन आ गया है, बब्जी को अब हर रोज खाने को फ्रूट्स मिलेंगे। ये देखो ओए हो अपनी एनर्जी निकाल रहा है, अपना गुस्सा निकाल रहा है। ओए होए होए बस भाई बस। और उधर ना जोई आई है देखने की, तू क्या कर रहा है, तू पागल तो नहीं हो गया? बब्जी कह रहा है हट यहाँ से पागल, अभी बताऊँ तुझे, तुझे भी ऐसे मैं पटक पटक के फेंकूँगा। ओए होए 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 तो ये दोनों ना दिशु की ना बात नहीं मान रहे। दिशु ना एक छोटी सी डंडी उठा के लाया ताकि ना इनको ना गुस्से से मना पाए। ओला भी नहीं बात मान रही, ओला कह रही चले चल तू कौन है, देख ले बैठ गई। भाई जोई को बिठा फिर मैं मानू, डर के बिठा दिया, सिट का कमांड दिया और नीचे बैठ गई वो।
भाई डर से यही होता है, अगर ट्रेनिंग अच्छी दी होती ना तूने तो सिर्फ उसको प्यार से कर वो सारी बातें मानेंगी। हैं दिशु ये मान जाती है। अच्छा इसको मैं ना फिर चल अब मैं देखता हूँ तुम। बोला सर। गुड गर्ल गुड गर्ल। चल अब बॉल फेंक दे रिवॉर्ड के लिए ना, बॉल फेंक दिया इसकी। ओए होए 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 भागे। और यहाँ बब्जी का खतरों का खिलाड़ी खत्म हो गया है, खतरों के खिलाड़ी बब्जी जीत गया है, पर बब्जी बाज अभी भी नहीं आ रहा है। ओ भाई साहब मुझे मत मार दियो, वो देखो वो भाई दिशु के पीछे पड़ गया था वो, ये देख लो। ओए होए दिशु के पीछे पड़ गया था वो। दिशु एक बार उठा के भागियो जरा, हैं भाग लेना। बब्जी ने कहा ऐसे कैसे भागेगा तू, एक बार उठा ना तेरे को भगा देगा। अरे उसके ऊपर चढ़ जाइयो, उसके ऊपर चढ़ जाइयो। रुक 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 जा हट। ओए होए बब्जा कह रहा है क्या कह रहा है, पूरा खत्म कर दिया। हाँ ये देखो ना पूरा पेट था, देख लो क्या बचा, और उसके भी ना चीथड़े कर रहा है। ये देखो ये देखो ये देखो उससे चीथड़े कर रहा है। देख रहे हो आप, बब्जी ने इस पेड़ की सही में लंका लगा दी है। चार्ली तू पिटना तूने है, चार्ली चार्ली बब्जी अपना शिकार देख लो, अगर पकड़ ले दांतों के अंदर कैसे दबा के रखता है। ये देखो ये देखो है क्या कह रहा है, इसमें ताकत बहुत है। किस में ताकत बहुत है, बब्जी में। मेरे को भी खींच लेता है, है? अब मैं ना बब्जी के इसके ऊपर पैर रखता हूँ और इधर से ना ये खींचने की कोशिश कर रहा है पर नहीं। ओए होए भाग जा भाग जाए यहाँ से। तो शाम की एक्सरसाइज इसकी तो हो गई। ओए होए बब्जी की शाम की एक्सरसाइज हो गई और दिशु भी ना हाथ से छोड़ नहीं रहा है ये सारी चीजें। देख रहे हो आप, दिशु चढ़ जाओ ऊपर ऊपर चढ़ जाओ। दिशु चढ़ गया ऊपर और बब्जी से ना उसका पेड़ छीनने की कोशिश कर रहा है, देख रहे हो आप। और बब्जी भी तू क्या, बब्जी कह रहा तू पेड़ छीन के, ओ छीन लिया तेरे से, छीन लेगा देख लेना छीन लेगा, फाड़ ही दिया उसने पेड़। ओए ओए ओ पेड़ ही फाड़ दिया दिशु से, फाइनली पेड़ ले लिया है। और हमारा विजेता कैसा हो, बब्जी जैसा हो। और यहाँ के बब्जी अब परसने वाला है अपनी बेड के ऊपर। ये ले बेड अपना सीधा कर देता हूँ तेरा मैं। बब्जी आज बाहर सोता है और ये रहा उसका पानी, पानी पी के अब ठंडक में लेटने चला गया, दरी पे भी नहीं लेट रहा। ठीक है आराम से रेस्ट कर, थोड़ी देर में मिलता हूँ। तो यार ना मन्नी ना इसको खाना खिला रही है और वो देखो अच्छा थोड़ा सा खाना खा, फोन काले जा रहा है मेरा, थोड़ा सा दे दे खा ही नहीं रहा, क्या करूं इधर। देख लो गुस्सा आ गया बहुत ज्यादा उसे, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया उसे, क्या करूं बुरा हाल क्या है माँ का। और ये देख लो दलिया ना पूरा पूरा पड़ा हुआ है, खिचड़ी खिचड़ी है सुबह दलिया, अब तो दलिया भी नहीं, हम तो छोले भी खिला रहे हैं इसको संडे टू संडे। चीट डे करा तो रही हूं मैं इसका। हाँ। हर संडे देखो छोले भटूरे का नाश्ता करता है वो भी राजा राम रेड़ी वाले के। अच्छा थोड़ा सा खा ले ना, गुस्सा मत कर गुस्सा मत कर, दंदिया तोड़ना नहीं मैं तेरी, मेरा हाथ पकड़ के क्या होगा, ये ले पकड़ ले अब बता, मेरा हाथ भी पकड़ना आता है, चल आपकी मत दिखाना। फाइनली पकड़ा गया मम, मन्नी ओवर जबरदस्ती मत खिला, हाथ पे लग गया उसके बुखार के कपड़े, ये देख इसके हाथ मैंने भी कर दिया, तो तुम टिश्यू पेपर के सामने पड़ी दो
चल पास। हो गया जरा, कितना खुश हो गया मन्नी। खुश हो गया मन्नी। खुश हो गया कि माँ ने छोड़ दिया। वो देख अब देखो खिचड़ी के साथ अब क्या कर रहा है। जब नहीं खानी थी तो क्यों पंगे ले रहा था। हद हो गई वैसे आज के बच्चे ना, देख ले यार। यही फ्राइज रख दो तुम हैं, सारे खा जाएगा। तो आते भी तो हमने ही डाली यार। अब सिर पे घूम रहे हो। अच्छा दिन भर लैपटॉप के सामने ना भाई। फिजिकल लेबर करने वालों को सैल्यूट है, क्योंकि मेंटल लेबर तो जान लेवा है आज के डेट में। और वो भी तब जब तुम पूरा दिन घर से बाहर कहीं भी नहीं निकल रहे। दिक्कत है यार, ये ना उम्र कम कर रही है ये मेंटल लेबर ना। सही में इतना स्ट्रेस, मतलब हमारे पेरेंट्स भी करते होंगे, तब मुझे नहीं लगता। अब ये नहीं पता मुझे, नौकरी करके आते होंगे उसके बाद क्या करते होंगे, सो जाते होंगे, तो पानी मत गिर दियो बेटा, और क्या करते होंगे सारा दिन पता नहीं। कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है, तेरा चैनल मेरा चैनल फलाने का ही फलाने का, वो डॉग्स, मेरे मम्मी पापा के पास तो डॉग्स भी नहीं थे, अपना अपनी रोटी बनानी है, सास की ससुर की पति की बच्चों की, सो जाओ नौकरी करो। हद हो गई तेरी, हद हो गई तेरी। ये ले आ जा, बहुत देर से रुकी हुई थी ना, है? खेल ले तू अब, ये लो। बनी है ना, देख रही है शिवाय को कि उसका पैर नीचे है और मैं पकड़ूं। पकड़ ले कम से कम तू ही उसके ऊपर थोड़ा वो कर ले, ड्रावा डाल ले, हमसे तो लड़ता नहीं है लड़का, वो अपना ना खाना, किचन में खाना ढूंढ ही रही है। हे आउट किचन से, आउट आउट। तो इसका खाना रेडी कर देता हूँ मैं रात का, ठीक है? फिर मुझे दे दे, मैं सबको डाल आता हूँ, ठीक है? एक बार चेक कर लूँ, मेरी मीटिंग्स भी तो है यार। ठीक, रात हो गई ना। ये महारानी देखो, अब मैं इसके पीछे ना चुपके चुपके जाऊँ, ठीक? इसको पता चल गया मैं हूँ, भाग गई, देख लो उधर, ठीक है? भाग गई ना, और यहाँ ना शिवाय भी ना पंगे ले जा रहा है इसी से। ये देखो मेरे आगे आगे भागी जा रही है। क्या है किचन से बाहर किधर आती है? लेडी वाली की बेटी है महारानी। गुड गुड गुड, चलो। तो बब्जी का खाना मन्नी ने बना दिया, गर्मा गर्म चिकन चावल, साथ में दही डालने की तो जरूरत नहीं है, बहुत है ना, छोटे छोटे कर दिए मैंने पीस, ठीक है? कर सकते थे। पानी गिरने वाला है, पैरों में आ जाती है। ये लो जी, ये लो। तो बबजी इंतजार कर रहा है आज मम्मी के हाथ से खाने का, उस तरह डाली हो दूर, मैं उसे चखाती चलूँ। चखाने की जरूरत नहीं है मुझे ना, इसका क्लोई का डर है। आजा। तो मम्मी ना पहले हाथ से चखाती है उसे, देख लो। यम्मी यम्मी, ओ उसकी आंखें देखो कैसे हो गई, कि मेन डिश का है ये, मेन डिश खाने। तो जी देखो वापस चल चल अंदर। चलो so, ये तो खा लेगा। बड़ा खुश है, देखो लारे का पकड़ी उसकी। देखो तुसे इतना खुश है, ऊपर नहीं बैठता चाहता अभी। ओए तू चल अंदर, इसको अंदर कर। बब्जी ने दहाड़ मारी ना पूरा पूरा, चल अंदर। चिकन देख के ये भी भूल गई, हमें क्या-क्या प्रोटेक्ट करना पड़ता है यार। और ये देख ना, ये देख, ये नंगे पैर घूम रहा है, इसको ठंड लग जाएगी। यार मैं ना थक चुकी हूं, ये एक तो ठंड शब्द का इस्तेमाल मत करो। चलो चलो सारे अंदर चलो, तू भी अंदर आ, तेरा भी खाना हो रहा है। यहाँ मन्नी जी ना ऑफिस की कॉल चल रही है, ठीक है? और साथ में ये अंडे छीट रही है ताकि इस मैडम को मिल सके। क्या करे, काम तो करना ही पड़ता है ना यार। पूरा अंडा क्रश करके डाल दिया मन्नी ने चावलों के साथ, थोड़ा सा किबल। और ये देखो, ओए अभी नहीं, हे अभी नहीं, इसके ना नीचे का ना इसने लूज कर दिया, जो ये एंटी स्लिप होता है ना, ये इसने ना चबा चबा के, अब तो आंख एक तरफ से काफी काली हो रही है। हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है, मेरे को लग रहा है थोड़े दिन हो जाएगा। वो देख मन्नी, तो इसमें फाइनली गर्म पानी, बस इसको ऊपर रख दे, इसके रीच में नहीं आना चाहिए। वो देख रही है कि मेरे को ना स्मेल तो आ गई है खाने की, पर मेरे को खाना दिख नहीं रहा। लेडी ओली ओली का बर्तन, लेडी ओली का बर्तन पीछे पड़ा, मैं ला के देता हूँ। दे दो, बना दो, फिर उनका भी खिला दोगे तुम? हाँ मैं खिला के खत्म करता हूँ। खाना खा लिया तो गाइस, पिछले
चार दिन से मैंने यही जैकेट पहनी हुई है ना सनी सर जिम वाले कहते हैं मैम को हुआ क्या है आपने बिल्कुल ही अपना ध्यान रखना छोड़ दिया है उस कपड़े मैले क्या क्या बन के घूम रहे फिर मैंने कहा पूछो मत सर मैंने उनको ना कहा था मेरी हेल्प अरेंज कर दो करोल बाग के आसपास रहते हैं वहाँ पे ना काफी मिल जाते हैं तो मैं कहा आपने नहीं करके दी ना तो बस मैं कहा फिर मैंने भी नहीं क्या कहते मैं भी फिर काम नहीं कर रही हूँ जरूरी था इसको नहीं तो इससे हम गोदी में उठाती ना गुस्सा करती क्या हुआ क्या डांट खाई है पकड़ के देख अब देख गुस्सा नहीं करेगी मैं अच्छा मैं नहीं करती पकड़ के देख पकड़ा हुआ है बस और नहीं पकड़ना देख एक बार गुस्सा नहीं करेगी बदतमीजी कर रही थी अंडे के छिलके निकाले डस्टबिन में से गुटलियां खा लेती थी दादी के घर रहते थे ना तो मेरी वाली तब इस टाइम उसी एज की थी तो क्या कहते हैं आम की ना गुटलियां निकाल के ले आती थी उस टाइम गर्मियों का मौसम ना शुरू हुआ था तो राहुल की मम्मी पापा ना आम खाने में बड़े शौकीन है बड़े डायबिटीज है लेकिन आम जरूर खाने तो उस चक्कर में वो क्या करती थी और ना डस्टबिन का ढक्कन वो वाला होता टूट गया था तो खुला डस्टबिन था तो उसमें से ना जाती थी डस्टबिन पलटती थी कूड़ा निकाल के लाती थी मतलब वो लड़की ने जो गंद मचाया बब्जी ने कभी ये काम नहीं किया वो लड़का कभी किचन में घुसता ही नहीं था और इसने अपनी माँ का नाम रोशन करा क्यों को दे दो किसी को अच्छा दे दो ये फिर आ जाएगी वापसी इसके ना हमारे दाना पानी लिखा है इसकी नसीब में है ना छोड़ो वही छोड़ो अपने मम्मी पापा का ना परफेक्ट कॉम्बिनेशन कलर है इसके टैन का देखो है ना गुस्सा आ रहा है उसे क्यों बोला बेटा घबरा रही है तेरे हाथ में कि तू क्या करने वाली है उसे कंफर्ट कर अबे गुर्राएगी तुझे बड़ी हो गई है जरा साइड से घुमाइयो हाँ हाँ बड़ी हो गई है तुम्हारे देखो डैंड्रफ इसके लिए मेरा डैंड्रफ है ये तेरे बालों से निकला मेरे बालों से ना 100 बार झाड़ लूंगा ये कुछ भी नहीं मेरे बालों में है ही नहीं डैंड्रफ मेरे में तो बहुत ज्यादा ये तुम्हारी डैंड्रफ इसके कोट पे आ गई तो लोगों को लग रहा होगा कि ये ना क्लोई को डैंड्रफ हो रखी है नहीं ये राहुल की डैंड्रफ है जो क्लोई के कोट पे आके गिरी है ना सारी सफेद हो गई पापा की डैंड्रफ देखो बैठ गए प्रॉपर तरीके से गाइस देखो सोफे पे बैठ गई है एक बार यहां दिखाओ के नहीं देखो पूरा ना अपना पीछे ऐसे टिका के ना यहां बैठ गई है येरी पूछ ये देखो बंदर नहीं बैठते और ना सपोर्ट देखना हाथ का खा लिया वो मेरे हाथ के ऊपर इधर से दिखाओ इसकी शक्ल ये देखो कैसे बैठ गई है गाइस देखना सेंटर में हम तो गाइस देखना है हमारी ना ये क्लोई रॉटवाइलर पप्पी कैसे बैठ गई है बिल्कुल ना जैसे सोफे पे आदमी की तरह बैठ के